हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग दोस्तों। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन कौन आया क्लास में, जरा फटाफट मुझे बता दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की ये जीएसटी रिवीजन में स्वागत है सबका। और नए सेशन जीएसटी का रोज लेने वाला हूँ, डेली लेने वाला हूँ, अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज मैं डेली लेने वाला हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम कवरेज इसके अंदर हम कर सकें जीएसटी के रिवीजन में। ज़्यादा अगर परेशानी बच्चों को जीएसटी रिवीजन में आखिरी चैप्टर्स में आती है, ठीक है, तो मैं पहले शुरुआत तो आखिरी चैप्टर से करना चाहता था, बट अगेन अगर हम लोग बेस से रिवाइज नहीं करेंगे तो परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं शुरुआत से ही कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था आखिरी चैप्टर से करूँ, बट अभी फिलहाल हम लोग बेस से स्टार्ट करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? दो बच्चे मेरे इस चैनल पे नए नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों को अगर ये पीडीएफ चाहिए, पूरी बुक आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्हाट इज टैक्स? तो टैक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है इसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। वैसे आपको बताओ, टैक्स है क्या? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, बोलो हाँ या ना। एक बर्डन है जो किसके ऊपर पास ऑन किया जाता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर, है ना। और एक बेसिकली गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो किस सेंस में क्यों आता है? गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए होता है, याद है? गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए होता है, जल्दी बताओ। गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू चाहिए होता है, टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, और ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है किसके लिए? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए, और बताओ, और डिफेंस सिस्टम के लिए, है ना, और बीओपी पेमेंट्स के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी हमारे देश के ऊपर लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करने के लिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसपे हम लोग इस रेवेन्यू का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो? अब दोस्तों, टैक्स जो है हमारे देश में दो तरीके से आता है, ये बात हम लोग जानते हैं। मैं फिर भी फटाफट रिवाइज करा ही देता हूं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बताओ दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। बोलो, कर सकते हैं क्या? नहीं। तो टैक्स बर्डन जिसका शिफ्ट नहीं कर सकते, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, वो हो गया क्या? डायरेक्ट टैक्स। बोलो भाई लोग, हाँ या ना, साथ साथ जवाब देंगे ताकि ये क्लास इंटरैक्टिव लगे। बताओ, डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यस और नो? यस। और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका हम टैक्स बर्डन क्या कर सकते हैं, दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर सकते हैं। बोलो, और क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट होता है, मतलब मोर इनकम मोर टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स। बोलो यस और नो। और इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट होता है, वैसे तो इसको मैं तो पार्शियली रिग्रेसिव बोलता हूं, आपको याद होगा, बट ज्यादा अगर मटेरियल्स के अंदर यही बात लिखा जाता है, रिग्रेसिव लॉजिकली पार्शियली रिग्रेसिव, बट अगेन अभी के लिए हमें मार्क्स स्कोर करने हैं तो हम लोग रिग्रेसिव याद करेंगे। तो बताओ, प्रोग्रेसिव मतलब मोर इनकम मोर टैक्स, रिग्रेसिव का मतलब है वैसे तो उल्टा, मोर इनकम लेस टैक्स, बट ऐसा नहीं होता। आपको पता है इनकम ज्यादा हो या कम हो, आप अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम, तभी तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बोलो यस और नो एवरीवन?
मुझे बताओ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, करता है कि नहीं करता है? हाँ, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. कैसे? अगर आज डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स बढ़ जाए तो क्या आपकी परचेजिंग कैपेसिटी कम होती है? यस, परचेजिंग पावर कम होती है. परचेजिंग पावर कम हो गई तो क्या डिमांड कम करोगे? जल्दी बताओ. यस, हम डिमांड भी कम करेंगे. डिमांड कम करेंगे किन गुड्स की? नॉर्मल गुड्स की, लग्जरी गुड्स की, बोलो यस और नो. और अगर हम उनकी डिमांड कम कर देंगे तो क्या सप्लायर को अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे? हाँ भाई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई कॉन्स्टेंट चल रही है, तो क्या प्राइजेस को कम करने पड़ेंगे सो दैट डिमांड अप हो जाए? यस. सो यस, डिमांड कम हुई तो प्राइजेस को क्या करने पड़ेंगे? जल्दी बताओ, कम करने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इंक्रीज इन इनकम टैक्स डिक्रीज इन प्राइस किया जा सकता है, बोलो हाँ या ना? इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं जीएसटी की बात करता हूं, जैसे कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या जीएसटी बढ़ जाने से प्राइजेस बढ़ जाएंगे? जल्दी बताओ, यस और नो? यस. तो जीएसटी अगर बढ़ गया तो प्राइजेस डायरेक्टली बढ़ जाएंगे, और अगर जीएसटी कम हो गया तो प्राइजेस डायरेक्टली कम हो जाएंगे, यस और नो? सो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी को, और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी को, बोलो यस और नो? यस दोस्तों. डायरेक्ट टैक्स को एडमिन कौन करता है? डिपार्टमेंट कौन है उसका? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बोलो हाँ या ना? और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज कौन करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यस और नो? अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा. जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बोलो हाँ या ना? सीएसटी कब लगता है? जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं. क्या आज लगता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या आज लगता है? सीएसटी आज लगता है दो आइटम पर, बताओ कौन कौन से? अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम, बोलो एवरीवन यस और नो? अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम सीएसटी लगता है जब हम कभी इंटर स्टेट सेल करते हैं, और वैट लगता है जब हम कभी इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, यस और नो? वैट, इंट्रा स्टेट सेल, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम, ये दो प्रोडक्ट्स पर लगता है, याद है? अल्कोहलिक लिकर एंड पेट्रोलियम पर, पेट्रोलियम आइटम्स. बच्चों पेट्रोलियम आइटम्स को रिवाइज करें, पेट्रोलियम आइटम में क्या क्या आते हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाँ या ना? पेट्रोलियम क्रूड मतलब रॉ पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, ठीक है? और क्या होता है? नेचुरल गैस, सीएनजी जैसे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एयरक्राफ्ट का फ्यूल, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब हमारी वो आइटम्स है, पेट्रोलियम आइटम्स, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी अभी तक नहीं लगाया, फ्यूचर में लगा सकता हूं द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. 2017 से सुन रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा लगाया है. बताओ, सीएसटी हो गया, वैट हो गया, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स. क्या बर्डन शिफ्ट किया जाता है? क्या आज दुकानदार आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट करता है और आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है? यस. तो सीएसटी हो या वैट हो, जीएसटी हो, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया. अगर आज आप इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी चुकानी होगी. क्या मेरी बात समझ में आती है? बट क्या ये आज जिंदा है दोस्तों? एक्साइज ड्यूटी में भी दो टाइप की एक्साइज ड्यूटी है, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था एक्साइज ड्यूटी दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट. जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो तो खत्म हो गया है, बट फिर भी दो प्रोडक्ट्स पर जिंदा है, बताओ कौन कौन से? मैं जानना चाहता हूं, क्या बच्चों को याद है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दो प्रोडक्ट्स पर जिंदा है? बताओ जल्दी जल्दी, कौन है दो प्रोडक्ट्स? मैं देखता हूं कौन है हमारी क्लास के होशियार बच्चे. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किन किन पर लगता है, जल्दी बताओ. थोड़ा यूट्यूब पर रिप्लाई आने में वक्त लग जाता है, वरना मैं जान जाता कि बच्चे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम पे लगता है और टोबैको पे लगता है, वेरी गुड. बच्चे का नाम है शिक्षा कुमारी और मीनिंग ऑफ लाइफ, ये मीनिंग ऑफ लाइफ कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है? शिक्षा को तो मैं जानता हूं, ठीक है? अब बताओ, वेरी गुड, सब बच्चों ने जवाब दे दिया. तो बताओ, पेट्रोलियम और टोबैको, पेट्रोलियम एंड टोबैको, यस दोस्तों, पेट्रोलियम और टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है. अच्छा, क्या स्टेट एक्साइज एलिमिनेट हुआ? नहीं, ये जिंदा है. बताओ, याद है स्टेट एक्साइज ड्यूटी? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है नशे पर, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है नशे पर, याद है?
एक्साइज ड्यूटी दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, एक सेंट्रल और एक स्टेट। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है नशे पर। नशे कौन कौन से हैं जल्दी बताओ, एल्कोहलिक लिकर और ओपियम और नार्कोटिक्स और इंडियन हेम्प। ये नाम नहीं याद आ रहे तो आपको नाम याद आ रहे होंगे, चरस, गांजा, अफीम, बोलो हाँ या ना। अच्छा निशा, ओके निशा, गॉट इट। अब मुझे बताओ, तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स आपको पता चल जाते हैं? बताओ, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल पता चल जाते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बच्चे नमन, बच्चे सीएसटी पेट्रोलियम पर और क्या कहते हैं, पेट्रोलियम पर, अल्कोहलिक लिकर पे लगता है ना बेटा? भाई जब बेचते हैं तो क्या लगेगा? वैट सीएसटी। मैन्युफैक्चर होगा तो क्या लगेगा? पेट्रोलियम पर, सेंट्रल एक्साइज। समझ में आया नमन? मैन्युफैक्चर होगा तो क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज। बेचेंगे तो क्या लगेगा? बेचेंगे तो क्या लगेगा? वैट सीएसटी। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है और इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के प्राइस को इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, बोलो हाँ या ना। और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, यस और नो? इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। नंबर चार, यहां पे कौन देखता है? सीबीडीटी। और यहां पे कौन देखता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अच्छा, यहां पर एग्जांपल आपको पता चली गए, इनकम टैक्स वन ऑफ द मेन एग्जांपल, और इनडायरेक्ट टैक्स में आप एग्जांपल, मेन एग्जांपल में जीएसटी बोल सकते हो, बोलो हाँ या ना। अब इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट ये क्या चीज है? कह रहा टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है वो सिचुएशन या वो इवेंट जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो। ऐसी सिचुएशन या ऐसा इवेंट जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो। सो एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, हम उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। हाँ, फॉर एग्जांपल आज इनकम टैक्स लगता है, तो बताओ क्यों लगता है इनकम टैक्स? बताओ, इनकम टैक्स लगता है तो इसका इवेंट क्या है? अर्निंग टैक्सेबल इनकम, है ना? चलो छोड़ो, इनकम टैक्स को छोड़ो, हम लोग तो जीएसटी रिवाइज कर रहे हैं, तो बताओ जीएसटी क्यों लगता है? जल्दी बताओ जीएसटी क्यों लगता है? जी हाँ, सप्लाई पर। अगर आज गुड या सर्विस सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बोलो हाँ या ना। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर हम आज गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो इस पर क्या लगता है? जीएसटी। बच्चों याद आ रहा है आप लोगों को, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी और एक होता है यूटीजीएसटी। ये छोटे छोटे नोट्स अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, या फिर फोटो खींच लो। ऐसे मैं आपको नोट्स जो है वो आप लोग लिख लो तो ज्यादा बढ़िया है, रिवाइज होते जाएंगे साथ साथ। नहीं, अब मुझे बताओ, जीएसटी में अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, कौन सी सप्लाई करते हो? इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो क्या लगता है? इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट, मतलब दिल्ली का सेलर दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? जल्दी बताओ, दिल्ली का सेलर दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। हरियाणा का सेलर हरियाणा का बायर, क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसी को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्या लगता है दोस्तों? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर आप इंट्रा यूटी सप्लाई करो, यूटी के अंदर, विद इन द यूटी, जल्दी बताओ,
विद इन द यूनियन टेरिटरी, तो क्या लगता है जल्दी बताओ, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है। तो हमारे देश में कितने टैक्सेस हैं, वैसे तो चार जीएसटी हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है जब विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं, विद इन द यूटी सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी के साथ लगता है यूटीजीएसटी, और अगर हम लोग इंटर स्टेट या फिर इंटर यूटी सप्लाई करते हैं, बताओ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दिल्ली से हरियाणा, यूपी से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बैंगलोर, ठीक है, कुछ भी ऐसे एरिया में, तमिलनाडु। तो आप अगर ऐसे स्टेट वाइज स्टेट, स्टेट टू स्टेट सप्लाई करते हो तो क्या लगेगा, जल्दी बताओ क्या लगेगा, तब लगेगा आईजीएसटी, क्या लगेगा आईजीएसटी, यस और नो। तो स्टेट से स्टेट, स्टेट एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा स्टेट, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी, या फिर इंपोर्ट, या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन सारी सिचुएशंस में दोस्तों क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, क्या लगता है जल्दी बताओ, आईजीएसटी लगता है, यस और नो एवरीवन। हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या मैं आगे बढ़ता जाऊं, हाँ क्योंकि रिवीजन चल रही है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको पता है, ठीक है, और ये तो वैसे भी इनिशियल चैप्टर है, ये तो आपको बड़े ही बेसिक लगते होंगे, ठीक है। विद इन द स्टेट सप्लाई सीजीएसटी एसजीएसटी, विद इन द यूटी सप्लाई सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, इंटर स्टेट या इंटर यूटी सप्लाई आईजीएसटी, ठीक है। अब मुझे बताओ इंपोर्ट पर भी क्या लगता है, आईजीएसटी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो यूनियन टेरिटरीज है वो हमारे देश में कितने हैं, यूटीज कितने हैं, हमारे देश में टोटल कुल मिला के 8 यूटीज हैं, कितने यूटीज हैं, 8। इन 8 यूटीज में से जो 5 यूटीज हैं, दीज आर विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स, और 3 ऐसे यूटीज हैं विच आर विद स्टेट लेजिस्लेचर्स। दोस्तों विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स का मतलब है जहां पर स्टेट वालों का कोई राइट नहीं है, स्टेट की कोई पावर्स नहीं है लॉ बनाने की, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, स्टेट की कोई पावर्स नहीं है लॉ बनाने की। तो 5 ऐसे कौन कौन से यूटी हैं, जल्दी जल्दी बताओ, 5 ऐसे कौन कौन से यूटी हैं जिनके पास स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, बताओ। एक तो हो गया चंडीगढ़, और कौन सा हो गया, चंडीगढ़ के अलावा दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, बोलो क्या ये दोनों एक हो चुके हैं, हाँ दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव एक हो चुके हैं, पहले दो अलग अलग यूटी होते थे, अब एक हो गए हैं। अच्छा इसके अलावा चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली और क्या है, लक्षद्वीप, और क्या है, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड, और क्या है, लद्दाख। तो टोटल कुल मिला के कितने यूटीज हैं, जल्दी बताओ, 5 यूटीज हैं जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है। इसका मतलब है जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है उनमें क्या लगता होगा, बताओ, सीजीएसटी के साथ साथ क्या लगता होगा, यूटीजीएसटी, जब विद इन द यूटी बिकता होगा, बोलो यस और नो एवरीवन, जब भी विद इन द यूटी बिकता होगा तो सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगता होगा। अच्छा अगर हम लोग ऐसे यूटीज में सप्लाई कर रहे हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है, विद स्टेट लेजिस्लेचर, बताओ ये कौन से यूटीज हैं, ये हैं दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, यहां पर क्या लगता है जल्दी बताओ, यहां पर लगता है सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी, क्या लगता है जल्दी बताओ, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हो, विद इन द स्टेट या फिर विद इन द यूटी, कौन से वाले यूटी, विद स्टेट लेजिस्लेचर वाले यूटी, तो उनको स्टेट ही बोला जाता है। तो बताओ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, क्या है ये, स्टेट ही है, तो क्या लगेगा, एसजीएसटी, इज दैट क्लियर एवरीवन। और आउटसाइड और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वाले जो है उन पर लगेगा यूटीजीएसटी। मेरे ख्याल से इतना काफी था, समझ में आती है बात।
आगे बढ़े। अगली बात जो हमारी आ जाती है ना, वो आ जाती है किसके ऊपर, जेनेसिस ऑफ जीएसटी के ऊपर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूं, तो मैं आपको ऑलरेडी चार्ट बनवाता हूं, उसी से करवाता हूं, क्या कहते हो? वाह सर वाह, कमाल कर दी, बताओ। सबसे पहले ईयर 2000, जल्दी बताओ क्या हुआ था इधर। प्राइम मिनिस्टर मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, यस प्राइम मिनिस्टर मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया, उन्होंने कहा जीएसटी इंडिया में लेके आना है, ओके ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बनाई, कमेटीज बनानी स्टार्ट करी, ठीक है, कमेटीज बनानी स्टार्ट करी 2000 के बाद। 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की एक कमेटी, इसका नाम दिया केलकर टास्क फोर्स। क्या नाम दिया? केलकर टास्क फोर्स। और इस केलकर टास्क फोर्स जिसके चेयरमैन कौन थे बताओ? विजय केलकर, मिस्टर विजय केलकर। इनको बोला गया कि आप बताओ कि क्या जीएसटी आना चाहिए। तो 2004 में, ज्यादा देर नहीं, 2004 में इन्होंने रिकमेंड कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या रिकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया, टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया, बोलो हाँ या ना। तो 2000 में प्राइम मिनिस्टर मूटेड द कॉन्सेप्ट, 2003 में केलकर टास्क फोर्स आया, 2004 में उन्होंने रिकमेंड किया। उसके बाद क्या हुआ था, 2006-07 के बजट में, 2006-07 के बजट में पी चिदम्बरम जी जो उस टाइम के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम जी जो उस टाइम के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, बोलो हाँ यार, दैट जीएसटी विल बी इंट्रोड्यूस्ड कब, ऑन 1 अप्रैल 2010 ऑनवर्ड्स। तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम तो जीएसटी लेके आ रहे हैं, पी चिदम्बरम जी ने बोल दिया कि जीएसटी हम लेके आ रहे हैं, अब लेके आते हैं नहीं आते हैं, बट पी चिदम्बरम जी ने बोल दिया था 2006-07 में, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा बजट की बात हो रही है, बजट 2006-07 में। अब बजट 2006-07 गया, 2010 निकल गया, डेडलाइंस मिस होती गई, और उसके बाद बात आई 2014 की, जब फाइनली एनडीए गवर्नमेंट वन द इलेक्शंस, एनडीए गवर्नमेंट वन द इलेक्शंस, जब एनडीए गवर्नमेंट जीत के आई इलेक्शंस, उस वक्त जीएसटी गेंड मोमेंटम। मतलब आप देखो 2006-07 के बाद तो कई बार डेडलाइंस मिस होती रही, हाँ या ना, और 2014 में जाके जीएसटी गेंड मोमेंटम, इज दैट क्लियर, 2014 में जाके जीएसटी गेंड मोमेंटम जब एनडीए गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आई। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ। फिर इसके बाद हुआ 19 दिसंबर 2014 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टेबल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट। तो सब पार्लियामेंट में बिल रखने का मतलब क्या है, लोकसभा से और राज्यसभा से पास भी तो करवाना है भाई, हाँ या ना। तो पार्लियामेंट में बिल रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, क्योंकि आपको याद है कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि संविधान में कोई जगह ही नहीं थी जीएसटी लेके आने की, बोलो हाँ या ना, इसलिए संविधान में अमेंडमेंट लेके आनी जरूरी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा इन अ पार्लियामेंट, बोलो हाँ या ना। अच्छा, फिर इसके बाद बताओ 6 मई 2015 को लोकसभा पास द बिल, फिर 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा पास द बिल, और फिर 8 सितंबर 2016 को रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बोलो हाँ या ना, रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आठ सितंबर 2016 को रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट।
बोलो 6 मई 2015 को लोकसभा ने बिल पास किया, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने पास किया, 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया उस बिल को, संविधान को, संविधान में जो चेंजेस किए थे आपको याद है मेजरली क्या संविधान में चेंजेस आए थे? एक आया था आर्टिकल 246A, वैसे तो और भी बहुत कुछ आया था बट मेजरली क्या था? आर्टिकल 246A, और क्या याद है? आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 366 में डेफिनेशन चेंज हुई थी, हाँ या ना? तो बहुत सारी ऐसी कुछ चेंजेस आए थे, मेजरली इस पर ध्यान दिया गया था। 8 सितंबर 2016 रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या हुआ था जल्दी बताओ, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद 27 मार्च 2017 को 4 बिल टेबल्ड, 4 बिल्स इन पार्लियामेंट, बोलो हाँ या ना? कौन कौन से बिल्स थे जल्दी बताओ? एक था सीजीएसटी का बिल, सीजीएसटी बिल 17, बोलो यस और नो? एसजीएसटी बिल की जगह पर क्या नाम था उसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल, टू थाउजेंड सेवेंटीन, बोलो यस और नो? इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था? इसके अलावा था आईजीएसटी बिल 2017 और यूटीजीएसटी बिल 2017। तो 4 बिल पार्लियामेंट में रखे गए थे, यस और नो? 27 मार्च को, और फिर 27 मार्च के बाद 29 मार्च को लोकसभा पास द बिल्स, सारे बिल्स पास कर दिए, बोलो यस और नो? उसके बाद 6 अप्रैल 2017 को राज्यसभा पास द बिल्स, यस और नो? 12 अप्रैल 2017 को, 12 अप्रैल 2017 रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बाद 1 जुलाई 2017 जीएसटी इफेक्टिव हो गया, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बोलो यस और नो? होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, और उसके अलावा 8 जुलाई 2017 याद है, 8 जुलाई 2017 जीएसटी बिकम्स इफेक्टिव इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मोटा मोटा सारी डेट्स याद करनी है, बस है क्या इसके अंदर बताओ? सबसे पहले ईयर 2000 याद करो, 2000, उसके बाद याद करो 2003, फिर याद करो 2004, फिर याद करो 2006-07 का बजट पी चिदम्बरम जी ने जो अनाउंस किया था, उसके बाद याद करो 2014 इंडियन गवर्नमेंट वन द इलेक्शंस 19 दिसंबर 2014, इसके बाद याद करो 6 मई 2015, 3 अगस्त 2016, 8 सितंबर 2016 लोकसभा राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट, फिर 27 मार्च 2017 को 4 बिल पार्लियामेंट में रखे गए थे, 29 मार्च 2017 को चारों बिल लोकसभा ने पास कर दिए, है ना? और फिर 6 अप्रैल 2017 को राज्यसभा ने पास किया और 12 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, और फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इफेक्टिव हुआ ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 8 जुलाई 2017 को जीएसटी बिकम्स इफेक्टिव इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यस और नो? तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा जो जेनेसिस था, याद है? अच्छा, इसके अलावा मैंने आपके साथ क्या डिस्कस करना है वो ये कि सबसे पहले जीएसटी कौन लेके आया था बताओ? सबसे पहले लेके आया था फ्रांस अपने देश में, कब लेके आया था? 1954 में, 1954 में। इसके अलावा कौन सी वो सिटी स्टेट्स थी, कौन सी वो स्टेट्स थी जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया अपने स्टेट में जीएसटी को, फर्स्ट वंस कौन थे बताओ? आपको याद करने हैं, सबसे पहले था राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार,
और तेलंगाना, ये छह स्टेट्स ऐसी थी, ये छह स्टेट्स ऐसी थी जो पहली बार जीएसटी लॉन्च करती हैं, राजस्थान, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, तेलंगाना, सबसे पहले। मतलब बाकी स्टेट से पहले सबसे पहले हामी देने वाली कौन सी स्टेट थी, वो यही स्टेट थी। क्या मेरी बात समझ में आती है? और फ्रांस सबसे पहले कंट्री थी जो जीएसटी लेके आई थी, और हम लोगों ने तो देखो 2017 में जाके जीएसटी लॉन्च किया, तो देखो काफी टाइम था हमारा, तो हमारा अलग टाइम पे जाके, मतलब कितने सालों के बाद जाके हमने जीएसटी लॉन्च किया। यस और नो? डन एवरीवन। अब मुझे बताओ इसके अंदर और क्या पढ़ना था? हम लोग जेनेसिस ऑफ जीएसटी हम लोगों ने खत्म किया, जेनेसिस ऑफ जीएसटी के अंदर यही था, ठीक है। हाँ, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्राजील और कनाडा दो ऐसी कंट्रीज थी जो हमारे जैसे ही ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी। ब्राजील और कनाडा दो ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे जैसे ही ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर को, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम को फॉलो करती थी। क्या ये बात समझ में आती है? ड्यूअल जीएसटी मतलब सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। अच्छा, इसके बाद आ जाता है दोस्तों व्हाट इज जीएसटी। मैं यहीं पे पढ़ दूं व्हाट इज जीएसटी, इधर ध्यान से देखना। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी मीन्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर। सप्लाई है ये पूरा, ये नीचे चला गया पीएल बाय। तो सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। और ये बात पता है कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 366 डेफिनेशन के अंदर। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है किसकी? जीएसटी की। जीएसटी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जीएसटी के क्या फीचर्स लिखे गए कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, इसमें कोई शक नहीं है, बोलो हाँ या ना। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, क्या याद है? परचेज पे दिया गया टैक्स का आप क्रेडिट ले लेते हो, और जो सेल पे टैक्स कलेक्ट करते हो उसमें से क्रेडिट को क्या कर देते हो? एडजस्ट। तो जो बच गया वो गवर्नमेंट को देते हो। क्या आप लोग सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को? यस, आप सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, बोलो हाँ या ना। यस, तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। 100 रुपए का गुड खरीदा और उसके ऊपर 10 रुपए का जीएसटी दिया परचेज पे, 100 रुपए का 10 रुपए जीएसटी दिया, तो बताओ कितने रुपए का पड़ा? 110। क्या इतने अमाउंट का आईटीसी ले लिया आपने? हाँ। इसके ऊपर आपकी कॉस्ट प्राइस फिर कितनी हुई? 100 हुई। इसके आप अपना प्रॉफिट ऐड करोगे, आपने प्रॉफिट ऐड किया मान लो 50, और कितने रुपए का बेचा? 150 का। अब जब आप 150 रुपए का बेचोगे तो 150 प्लस जीएसटी लगाओगे मान लो 15 रुपए, तो 165। यानी आप कस्टमर से 15 रुपए कलेक्ट करोगे और 10 रुपए जो आप ऑलरेडी दे चुके हो वो एडजस्ट कर दोगे, तो गवर्नमेंट को आप कितना दोगे? गवर्नमेंट को दोगे 5 रुपए, है ना। तो क्योंकि 15 रुपए की लाइबिलिटी थी जिसमें से 10 रुपए गवर्नमेंट ने क्या बोला? आईटीसी ले लो, तो एडजस्ट कर दिया, जो बच गया वो गवर्नमेंट को दे दिया। ऐसा ही करते हैं ना। ये 5 रुपए किस पे है? वैल्यू एडिशन पे है। मुझे बताओ वैल्यू एडिशन कितनी की है? 50 रुपए। 50 रुपए ही तो प्रॉफिट ऐड किया उसने, 50 पे 10% 5 रुपए ही होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसमें कोई शक। डेस्टिनेशन मतलब जहां पर जाके गुड कंज्यूम होगा या सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आधा हिस्सा मिलना ही है, स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा हिस्सा मिलेगा? जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है वो तब मिलेगा जहां पर जाके कंज्यूम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मुझे बताओ जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। क्या टैक्स क्रेडिट्स मिलते रहते हैं कंटिन्यूअसली? यस, टैक्स क्रेडिट्स कभी नहीं रुकते। जीएसटी का अंदर फायदा यह है कि टैक्स क्रेडिट कभी नहीं रुकते, अनलाइक सीएसटी। बच्चों आपको याद होगा, मैं आपको बताता भी था कि अगर मान लो एक ए डीलर है, बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, यहां पर ये तो दिल्ली है, दिल्ली से दिल्ली गया, मान लेते हैं यहां हरियाणा चला गया, और सी से फिर आगे डी चला गया, ये भी हरियाणा है। अब पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि अगर वैल्यू है 10,000 रुपए प्लस दिल्ली से दिल्ली क्या लगा? वैट लगा होगा, तो वैट का रेट मान लो 10% लग गया, कितना हो गया 1,000, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 11,000। बी ने ए को कितने रुपए दिए? 11,000। और ए ने 1,000 रुपए किसको दे दिए? दिल्ली गवर्नमेंट को, बोलो हाँ या ना। अब बी क्या ले लेगा इस चीज का? आईटीसी। बी क्या ले लेगा इस चीज का? आईटीसी। बताओ कितने का आईटीसी ले लेगा? 1,000 रुपए का आईटीसी ले लेगा बी। अब मुझे बताओ बी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? बी की कॉस्ट प्राइस हुई 10,000। इसके अंदर बी अपना क्या ऐड करेगा? प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना। बी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लेते हैं 5,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दिया, कितना हो गया? 15,000।
अब बी ने जब आगे सी को बेचा तो क्या लगा, सी को जब बेचा तो क्या लगा, सीएसटी लगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा, इंटरस्टेट है ना, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा। मान लेते हैं सीएसटी का रेट है, सीएसटी का भी वही रेट लेके चलते हैं 10%, तो कितना हो गया 1500, टोटल हो गया 16500। अब मुझे बताओ सी ने बी को आउटपुट टैक्स कितना दिया, 1500 रुपये, और अब जब गवर्नमेंट को देना होगा तो क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगा? हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या सीएसटी वॉज ऑरिजिन बेस्ड टैक्स? याद है सीएसटी वॉज ऑरिजिन बेस्ड टैक्स, जिस स्टेट से निकला उसी स्टेट को रेवेन्यू जाएगा। तो अगर बी से सी को गया, यानी दिल्ली से हरियाणा को गया, तो दिल्ली वाले ने हरियाणा वाले से चार्ज किया और रेवेन्यू किसको दिया, दिल्ली गवर्नमेंट को दिया, यहीं से तो गुड निकला था। मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए जो दिल्ली वाले गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा हूं मैं बी हूं, बट मेरे को जो क्रेडिट मिला हुआ था दिल्ली वाली गवर्नमेंट से ही, मैं वो एडजस्ट कर दूंगा, जो बच गया वो गवर्नमेंट को दे दूंगा। ऐसा ही करूंगा ना कि नहीं करूंगा? यस और नो? ऐसा ही करूंगा। अब मुझे बताओ ये जो सी है, जो हरियाणा का बायर है, क्या ये बंदा आईटीसी ले पाएगा? ये आईटीसी नहीं ले पाएगा। बताओ क्यों नहीं ले पाएगा? बिकॉज ये जो सी है ये हरियाणा में बैठा हुआ है और इसने जो टैक्स दिया है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है। बोलो यस और नो? इसीलिए दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं देयर इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट्स? नो, देयर वॉज नो कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट्स, यहां पे क्रेडिट रुक जाता था। अब बताओ क्या इस हरियाणा वाले बायर की कॉस्ट प्राइस 16500 नहीं हो जाएगी? हाँ, हरियाणा वाले बायर की कॉस्ट प्राइस 16500 हो जाएगी और उसी के अंदर वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और कल को फिर उसको बेचेगा। तो क्या इस बी को बड़ा महंगा नहीं पड़ गया? हाँ, ये एक दिक्कत थी। तो क्या चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स रुक गई? हाँ, बट दोस्तों क्या आज रुकती है? नहीं, आज नहीं रुकती। बताओ क्यों? क्योंकि आज यहां पर क्या लगता है, आईजीएसटी। जब आईजीएसटी लगता है तो हम लोगों को बताया जाता है कि आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है और आईजीएसटी का क्रेडिट मिलने के बाद ये किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। बोलो यस और नो? आईजीएसटी का क्रेडिट किस किस के साथ एडजस्ट हो सकता है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। बताओ भाई लोग, क्या सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एसजीएसटी का क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। बोलो यूटीजीएसटी का क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। और जो आईजीएसटी का क्रेडिट है वो किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? वो एडजस्ट हो सकता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? इस रीजन से हम कह सकते हैं कि जीएसटी में कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स है। क्या है ये? कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स है, कोई रुकावट नहीं है क्रेडिट्स में। इज दैट क्लियर? और क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो ये भी एक फायदा है, ये भी एक एडवांटेज है। यस और नो? समझ में आता है दोस्तों? मैं आगे बढ़ता हूं। जीएसटी में कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स है। जीएसटी वेयर बर्डन इज ऑन फाइनल कंज्यूमर। क्या जीएसटी में बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे ही जाता है? हाँ, जीएसटी में बर्डन अपनी जेब से तो देना नहीं है, आप कंज्यूमर तक बर्डन क्या करते रहते हो, शिफ्ट करते रहते हो। बोलो हाँ या ना? यस। तो जीएसटी वेयर बर्डन इज ऑन फाइनल कंज्यूमर। क्या जीएसटी ने कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस खत्म कर दिए? हाँ, कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। क्या पहले टैक्स ऑन टैक्स होता था वैट के टाइम पे? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आपके सामने अभी अभी, क्या यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता? क्या ये कॉस्ट प्राइस के अंदर सीएसटी नहीं है? है। तो जब मैं इसको इंक्लूड करके मान लो 5000 रुपए का बेच प्रॉफिट ऐड करता तो ये 21500 होता, तो इसी के ऊपर तो मैं लगाता वैट। जब 21500 पे लगाता तो 21500 में तो ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है, तो क्या ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता? होता। तो देयर वर कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस और वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। जीएसटी आया तो एलिमिनेट हो गया, जीएसटी ने ये सब चीजें खत्म कर दी। क्या मेरी बात समझ में आती है? जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। क्या ये भी एक बड़ी दिक्कत थी कि हमारे देश में जीएसटी हर स्टेट में अलग अलग रेटों पे था। दिल्ली में जाओ जीएसटी का रेट 5%, सॉरी वैट का रेट 5% चल रहा है। किसी और स्टेट में जाओ वहां का वैट रेट 4% है, किसी और स्टेट में जाओ वैट का रेट 10% है। हर स्टेट में गुड्स के वैट का रेट अलग अलग था। तो क्या ये भी दिक्कत थी? हाँ, इस दिक्कत को भी सॉल्व कर दिया जीएसटी ने, क्योंकि जीएसटी ने कहा हम यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लगाएंगे ऑल ओवर इंडिया। तो बताओ क्या फीचर्स आ सकते हैं, व्हाट इज जीएसटी फीचर्स क्या है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स,
जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, जीएसटी का बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट किया जाता है, जीएसटी एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया. इज दैट क्लियर एवरीवन? Is that clear, everyone? अब पुराने वैट रिजीम में क्या कमियां थी? वन ऑफ द कमी तो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस करी, नॉन रेटेबल सीएसटी. क्या सीएसटी पे बेनिफिट मिलता था? नहीं. क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि सीएसटी का बायर क्रेडिट नहीं ले पाता था. क्यों नहीं ले पाता था बायर क्रेडिट? क्योंकि बायर बैठा है बाइंग स्टेट में, और जो टैक्स दिया है बायर ने वो कहां दिया है? सेलिंग स्टेट को. और अगर सेलिंग स्टेट को टैक्स दिया है तो क्रेडिट बाइंग स्टेट से वो कैसे ले सकता है? बोलो हाँ या ना. इस वजह से वो क्रेडिट नहीं ले पाता था, जिसकी वजह से कैस्केडिंग होती थी. अच्छा, क्या बहुत सारे और टैक्सेस भी होते थे हम एक ही स्टेट के अंदर? यस. लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब टैक्स होते थे. और एक खास बात बताऊं, इन पर कोई क्रेडिट नहीं मिलता था. गवर्नमेंट ये कह दे कि इसी गुड के ऊपर जो आपने परचेज पे टैक्स पे किया, परचेज टैक्स या लग्जरी टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स, हम आपको उसका क्रेडिट देंगे और आप उसको एडजस्ट कर पाओगे वैट के साथ. नहीं कर पाओगे. ऐसा गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी क्या होती थी? कैस्केडिंग. भाई मैंने कोई गुड्स परचेज किए और परचेज पर क्या दिया? परचेज टैक्स. अब परचेज पे अगर परचेज टैक्स दिया है तो उस परचेज टैक्स का मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, ताकि मैं वैट जब मैं पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को तो मैं उसके साथ एडजस्ट कर सकूं. बट मैं नहीं कर सकता था. क्या मेरी बात समझ में आई? मैं नहीं कर सकता था. तो नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, कैस्केडिंग होती थी बिकॉज ऑफ नॉन रेटेबल सीएसटी. कैस्केडिंग होती थी इंक्लूजन ऑफ सेनवेट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट. नाउ व्हाट इज सेनवेट? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स. क्या था ये? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स. मैंने बताया था आपको दोस्तों कि सेनवेट कब लगता है? जब भी हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको एक एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है. मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है. यस और नो? पहले के टाइम की बात कर रहा हूं, जीएसटी आने से पहले. हम कमियां पड़ रहे हैं पुराने वैट सिस्टम की. इंक्लूजन ऑफ सेनवेट. अब होता क्या था, एक मैन्युफैक्चरर ए से गवर्नमेंट क्या कहता था? एक्साइज ड्यूटी दो. क्यों? क्योंकि आपने गुड मैन्युफैक्चर किया है. तो मुझे बताओ, गुड्स की कॉस्ट है मान लो 1000, इसके ऊपर प्रॉफिट वगैरह ऐड करके ठीक है 200 रुपए, ये बन गया मेरा सेल प्राइस 1200. इसी 1200 रुपए के ऊपर पहले गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेगी. क्या लेगी? पहले एक्साइज ड्यूटी लेगी. क्यों? क्योंकि भाई साहब एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चर किया है तो एक्साइज ड्यूटी तो देनी पड़ेगी. तो एक्साइज ड्यूटी दो, तो 10% मान लो एक्साइज ड्यूटी होगी. कितनी होगी? 1320 रुपए. अब ये एक अलग प्रोडक्ट बन गया. अब जब ये 1320 रुपए का प्रोडक्ट बन गया, जब कल को बेचोगे तो फिर क्या लगेगा? वैट लगेगा. तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि वैट जो है 1320 पे लग रहा है. तो क्या यहां पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहां पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं है? है. सो इंक्लूजन ऑफ सेनवेट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट. So there is a cascading of taxes. Bolo yes or no? Yes. Dosto, no SENVAT after manufacturing stage. Manufacturing stage ke baad koi SENVAT credit nahi milta tha. Kya meri baat samajh mein aayi? No SENVAT after manufacturing stage. Manufacturing stage ke baad aapko SENVAT credit nahi milta tha. Kya meri baat samajh mein aayi? Kyun? Manufacturer to credit lete the because manufacturer were registered in Central Excise Act. मैन्युफैक्चर एक दूसरे को क्रेडिट पास ऑन कर देते थे. बट मैन्युफैक्चर जब होलसेलर को गुड बेचता था तो उनसे वो एक्साइज ड्यूटी नहीं लेता था. क्या लेता था? वैट लेता था. एक्साइज ड्यूटी भी लेता था, बट उस एक्साइज ड्यूटी का उस बायर को जो कि होलसेलर है वो क्रेडिट नहीं ले पाता था. बोलो यस और नो? वो क्रेडिट नहीं ले पाता था. अगर वो क्रेडिट नहीं ले पा रहा तो दिक्कत है. दिक्कत यह है कि उस एक्साइज ड्यूटी की उसकी कॉस्ट बन जाएगी, और कॉस्ट बन जाएगी तो आगे उसके ऊपर क्या लगने लग जाएंगे? टैक्स लगने लग जाएंगे. बोलो भाई यस और नो? Yes or no? No SENVAT after manufacturing stage. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक deficiency है. Non integration of VAT and service tax. VAT service tax के साथ adjust नहीं हो पाता था. पुराने जमाने में अगर हम 2017 से पहले की बात करें, GST आने से पहले, तो goods खरीदते थे VAT लगता था, service बेचते थे service tax लगता था. तो जो VAT लगता था मैं उसका credit ले पाता था. मैं ले तो पाता था,
बट वो सिर्फ और सिर्फ वैट के साथ ही एडजस्ट हो पाता था, रीजन बीइंग कि वैट वाज अ स्टेट गवर्नमेंट लॉ और सर्विस टैक्स वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ। क्या मेरी बात क्लियर है? सर्विस टैक्स जो देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और आपने अगर केजरीवाल जी को यानी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोल सकते हो मैं आपको कम इसलिए दे रहा हूं बिकॉज केजरीवाल को दे दिया है? नहीं, नहीं हो सकता ये चीज। सो देयर वाज नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। बोलो यस और नो, वैट और सर्विस टैक्स आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते थे? तो गुड्स पे जो वैट दिया है वो सर्विस टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता था। सर्विस टैक्स जो दिया है, अगर मान लो मैं एक सर्विस खरीद रहा हूं, मैं ट्रेडर हूं, मैं सर्विस खरीद रहा हूं कोई, और उसके ऊपर सर्विस टैक्स दिया है, तो उसका मैं क्रेडिट तो ले पाऊंगा, बट उस क्रेडिट का मैं करूंगा क्या? क्योंकि वो तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कोई टैक्स देना होता तो मैं उसके साथ एडजस्ट कर देता, बट मैं वैट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए दोस्तों नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स की वजह से भी हमारी क्रेडिट की प्रॉब्लम्स थी। क्या आज है ये सब डेफिशिएंसीज? नहीं, ये सारी डेफिशिएंसीज, ये सारी कमियां खत्म कर दी। खत्म कर दी, बताओ किसने खत्म कर दी? जीएसटी ने। बताओ यस और नो, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड एंड सर्विसेज। क्या रेस्टोरेंट में पहले खाना खाने जाते थे तो रेस्टोरेंट वाले गुड समझ के वैट लगा देते थे और सर्विस समझ के सर्विस टैक्स भी लगा देते थे? हाँ, डबल टैक्सेशन हो जाती थी। ठीक है, डबल टैक्सेशन हो जाती थी। वो डबल टैक्सेशन को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया गवर्नमेंट ने जीएसटी लाकर। क्या मेरी बात समझ में आई? रेस्टोरेंट में ऐसा होता था कि गुड समझ के वैट लगा दिया, सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगा दिया, बट ये गलत था ना यार भाई। वो या तो गुड है या सर्विस है, दोनों थोड़े ना हो सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही लागू करना चाहिए था, और वो फिर डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट किया गया। मुझे बताओ सारे बच्चे कितनी डेफिशिएंसी हो गई? 6 याद करो। कितनी डेफिशिएंसी? 6 याद करो। पहली, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज। जो सेवरल लोकल लेवीज थी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती थी। किसके अंदर? वैट में, यानी वैट के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाती थी। नंबर एक। नंबर दो, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी। सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था और इस वजह से क्या होती थी? कैस्केडिंग होती थी। नंबर दो के बाद नंबर तीन, इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। सेनवैट जो है वो वैट लगाने के लिए इंक्लूड कर दी जाती थी, क्योंकि सेनवेट के बाद जो प्राइस आता था उसके ऊपर वैट लगाया जाता था, तो इसलिए कैस्केडिंग होती थी। नंबर चार, नो सेनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद कोई सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलता था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर पांच, वैट सर्विस टैक्स के साथ आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते थे। नंबर छह, डबल टैक्सेशन ऑफ सेम ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वही ट्रांजेक्शन गुड्स भी मानी जाती थी और वही ट्रांजेक्शन सर्विस भी। जैसे मैंने एग्जांपल आपको रेस्टोरेंट का दिया, सिमिलरली कंस्ट्रक्शन सर्विस में भी ऐसा ही होता था। एक बिल्डर जब सर्विस देता था तो उसको गुड्स मानकर वैट भी लगाया जाता था, क्योंकि वो बिल्डर भाई सीमेंट ब्रिक भी तो बेच रहा है तुम्हें, तो इसलिए गुड्स भी मानते थे और सर्विस भी मानते थे, जिसकी वजह से दोनों टैक्सेस लगते थे। तो ये डेफिशिएंसीज थी, कमियां थी वैट सिस्टम के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? और इन सब बीमारियों का कौन हल निकला? जीएसटी, अ क्योर फॉर इल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। कैसे हुआ वो आपको पता ही है कि आज के टाइम पर हम ये बेनिफिट ले लेते हैं। आगे आ जाओ, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। मुझे बताओ क्या ये सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं? यस। व्हाट इज ड्यूअल जीएसटी? इंडिया हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्सेस लगा सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्सेस लगा सकते हैं, यस और नो? हाँ। ठीक है, हर देश में इस तरीके से नहीं है, हमारे देश जैसा ब्राजील और कनाडा है। क्या है? ब्राजील और कनाडा। क्या मेरी बात क्लियर है? इंडिया हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन द व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कॉन्सिक्वेंटली सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जब हम विद इन द स्टेट करते हैं तो ड्यूअल जीएसटी लगता है ना? हाँ, अगर किसी और स्टेट में करते हैं तब भी ड्यूअल ही है, एक्चुअल में लगता है आईजीएसटी है, बट उस आईजीएसटी का बंटवारा तो हो ही जाता है आधा सेंट्रल को आधा स्टेट को, यस और नो? फिर आ जाती है बात सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड इट्स लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ये टैक्सेस आए कैसे हैं? भाई देखो, ऐसा है, सीजीएसटी आया है सीजीएसटी एक्ट 2017 से, जिसको कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स टैक्स एक्ट आया है, वो मतलब सॉरी एसजीएसटी जो आया है वो इस एक्ट के थ्रू आया है। एसजीएसटी किस एक्ट के थ्रू आया है? गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स टैक्स एक्ट 2017। ठीक है, और वो उसको कौन गवर्न करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। मुझे बताओ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, आईजीएसटी
जो है वो लेके आया था टैक्स, और आईजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसका बंटवारा करता है, आधा सेंट्रल रख देते हैं आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं। बोलो हाँ या ना? और किस स्टेट को देते हैं बताओ, किस स्टेट को देते हैं? जिस स्टेट में फाइनली गुड क्या हो जाता है, कंज्यूम, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके बाद आता है यूटी जीएसटी। सर यूटी जीएसटी कैसे आया? यूटी जीएसटी आया यूटी जीएसटी एक्ट 2017 से। तो यूटी जीएसटी एक्ट 2017 से, और यूटी जीएसटी एक्ट 2017 को लेवी और कलेक्ट कौन करता है? यूटी करते हैं, बट वो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वाले। कौन से वाले? विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वाले, क्योंकि विद स्टेट लेजिस्लेचर वाले तो एसजीएसटी में ही आ गए ना। बोलो क्या विद स्टेट लेजिस्लेचर वाले तो एसजीएसटी में ही आ गए ना? यस। तो यूटी जीएसटी विदाउट विदाउट यूटी इज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वाले इसके अंदर कवर होते हैं। और उसमें आ जाता है बच्चों कौन कौन से? पांच, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लद्दाख और लक्षद्वीप। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये तो हो गया जीएसटी का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्या अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यस, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनली जीएसटी उस पर्टिकुलर स्टेट को मिलता है जिस स्टेट में जाके गुड या सर्विस कंज्यूम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यस और नो? अच्छा, आपको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड एंड सर्विस? हम हर गुड को हर सर्विस को क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब है हमारे देश में एक कोडिंग सिस्टम को कॉपी किया गया है जो कि दुनिया की इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम है। इसका नाम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एचएसएन कोडिंग सिस्टम। एचएसएन कोडिंग सिस्टम हमारे देश का नहीं है, बट हम लोगों ने इंटरनेशनली प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करके कॉपी करके पहले कस्टम के कानून में उतारा, और फिर कस्टम के कानून में उतारने के बाद वो चीज को कहां ले आए? हम जीएसटी के अंदर भी ले आए। क्या आपको ये बात पता है? पहले कस्टम कानून में आया फिर जीएसटी में आया, ठीक है? अब मुझे बताओ एचएसएन कोडिंग किसने बनाया था? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने बनाया था? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको पहले क्या बोलते थे? कस्टम कोऑपरेटिव काउंसिल। क्या बोलते थे? कस्टम कोऑपरेटिव काउंसिल। और ये क्यों बनाया गया था? टू नो द ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, सिमिलरली सर्विसेज के लिए भी एक नई स्कीम बनाई गई, अ न्यू स्कीम ऑफ सर्विसेज वाज डिवाइस्ड, जिसको नाम दिया गया सर्विस कोड्स। क्या बोला गया? सर्विस कोड्स, ठीक है? कुछ लोग सर्विस अकाउंटिंग कोड SAC बोलते हैं, कुछ सर्विस कोड्स बोलते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। क्या हमारे देश में जो HSN कोड है वो 8 digit coding है? 8 digit coding है बच्चों, याद रखना है। कितने डिजिट कोडिंग है? 8 digit। इंटरनेशनली वो 6 digit coding है, बट हमारे देश में 8 digit coding है। पहले 2 digit मैं करवा चुका हूं इसके बारे में, पहले 2 digit चैप्टर होते हैं, फिर अगले 2 digit क्या होते हैं? हेडिंग्स। फिर उसके अगले 2 digit क्या होते हैं? सब हेडिंग्स। और फिर सब हेडिंग्स के बाद 2 digit क्या होते हैं? टैरिफ आइटम। तो पहले 2 digit हेडिंग्स हो गए, उसके बाद क्या होते हैं? 2 sub headings, फिर उसके बाद 2 क्या होते हैं? पहले 2 तो हो गए चैप्टर ना, पहले तो 2 हो गए चैप्टर, फिर हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग, और फिर क्या हो गए? टैरिफ आइटम। इसी के आगे जीएसटी के रेट लिखे होते हैं, ठीक है? टोटल प्रोडक्ट कोड कितने हो गए? 8। दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम, क्या कॉम्पोजिशन स्कीम हमारे देश में जरूरी है? मतलब ऑप्शनल स्कीम दी गई है गवर्नमेंट ने? हाँ, छोटे डीलर्स को। किन डीलर्स को? छोटे डीलर्स को कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट दिया है। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 crore rupees तक का है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेते हो तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपको कोई ITC नहीं मिलता, कोई आउटपुट टैक्स भी आप कलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आपको यह बोला जाता है कि आप क्वार्टरली पे कर सकते हो टैक्स। कैसे पे कर सकते हो? क्वार्टरली, मंथली पे करने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली पे करो। अच्छा, उसके अगली बात क्वार्टरली टैक्स पे कर सकते हो, मंथली पे करने की जरूरत नहीं है, और क्या कर सकते हो? और आपको साल में सिर्फ एक ही बार रिटर्न भरनी है। आपको याद है रेगुलर फाइलें जो होते हैं, रेगुलर फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाले जो होते हैं, उनको हर महीने के महीने रिटर्न भरनी होती है। हाँ, हर महीने के महीने पेमेंट भी करनी होती है, यस, बट कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है, रिटर्न साल में सिर्फ एक ही बार भरनी होती है, एनुअल रिटर्न। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, इसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 के रिवीजन में पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट दी है? यस, गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बोलो यस और नो? कितनी लिमिट है? 20 lakh, कुछ स्टेट्स में 10 lakh और कुछ स्टेट्स में 40 lakh। 20 lakh,
कुछ केसेस में 10 लाख और कुछ केसेस में 40 लाख. मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, फिर क्या करेंगे, इज दैट क्लियर? रजिस्ट्रेशन में ही बताऊंगा. आगे आ जाओ, एग्जेम्पशंस. एग्जेम्पशंस तो छोटे डीलर्स को एग्जेम्पशंस दी गई है, हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम, बट कुछ ऐसी सर्विसेज और कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जिसको गवर्नमेंट ने जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया, जैसे अनब्रांडेड आटा, अनब्रांडेड मैदा, बेसन. इनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, कहा इस पर कोई जीएसटी नहीं लेंगे. क्या मेरी बात समझे? तो ये भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने. सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्या देयर इज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट? यस, देयर इज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट. क्या मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट है वो आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है? बोलो, जीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, एसजीएसटी के साथ भी और यूटीजीएसटी के साथ भी. हालांकि मैं इसको इलैबोरेट चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन में करूंगा, यानी आईटीसी की रिवीजन में. डोंट वरी, अभी करने का फायदा नहीं है, आईटीसी के रिवीजन में ही करेंगे, ठीक है? सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के साथ और आईजीएसटी के साथ, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी और आईजीएसटी के साथ, यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के साथ, और आईजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी. और भी कुछ रूल्स हैं, मैं चैप्टर नंबर 6 में ही बताऊंगा इसके बारे में. इज दैट क्लियर एवरीवन? बच्चों, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट आप लोगों के सामने मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि कोई सीमा नहीं है क्रेडिट की, मतलब आपको क्रेडिट मिलता रहता है ना, कोई रोक है ही नहीं क्रेडिट की. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आपको क्रेडिट मिलता रहेगा और अल्टीमेटली ये जो रेवेन्यू है जीएसटी का, स्टेट वाला पार्ट, वो उस स्टेट को मिलता है जो रेवेन्यू कमा रही है, जो बेसिकली डेस्टिनेशन है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है. इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मैं आपको ये टॉपिक वहीं करवा दूं आईटीसी चैप्टर में? यस, आई विल डिस्कस इन आईटीसी चैप्टर. क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, सीमलेस फ्लो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बट इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो मैं आईटीसी चैप्टर में ही बताऊंगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स भी वहीं डिस्कस कर लूंगा. आगे आ जाओ, 9th पॉइंट, जीएसटी कॉमन पोर्टल. ये क्या है? ये एक वेबसाइट है, www.gst.gov.in, पता है ना सबको? ये वो वेबसाइट है www.gst.gov.in. इसको कॉमन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये कॉमन है पूरे देश में. पहले जब वैट होता था तो हर स्टेट के लिए अलग वेबसाइट बनती थी, पता है आपको ये बात? दिल्ली के लिए अलग, हरियाणा के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, राजस्थान के लिए अलग, केरला के लिए अलग, कर्नाटका के लिए अलग, हर स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट होती थी. बिकॉज वैट वॉज अ स्टेट लॉ, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से वेबसाइट बनाते थे, यस और नो? जबकि जब जीएसटी आया तो उन्होंने बोला पूरे देश में एक ही वेबसाइट रन होगी, जिसका नाम दिया गया www.gst.gov.in, यानी जीएसटी कॉमन पोर्टल. क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा जीएसटी की ये वेबसाइट के अलावा कॉमन पोर्टल, इसको और क्या रीजन से बोला जाता है कि चलो ठीक है, मैं कह सकता हूं कि सारी स्टेट्स के लिए एक ही है, इसके अलावा क्या रीजन है? इसके अलावा एक और रीजन है दोस्तों. और इसके अलावा क्या रीजन है? इसके अलावा ये रीजन है कि इसमें जितने भी रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिफंड, रिटर्न भरने का काम, ये सारा काम किसके अंदर होता है, जल्दी बताओ? एक ही कॉमन पोर्टल पे होता है, जीएसटी कॉमन पोर्टल, इसीलिए इसको कॉमन बोलते हैं. कह रहे टैक्स पेयर को सारे कामों के लिए एक ही वेबसाइट पे जाना है, रिटर्न भरनी है तो यहीं पर, रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यहीं पर, कैंसलेशन करनी है रजिस्ट्रेशन तो यहीं पर, पेमेंट करनी है तो यहीं पर, अमेंडमेंट करानी है रजिस्ट्रेशन में तो यहीं पर, कोई कंप्लेंट करनी है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको यहीं पर जाके डिस्कशन होगा, मतलब हर चीज आपको यहीं पर अवेलेबल होगा. तो सारी चीजों के लिए एक ही है. बट क्या इसके अलावा भी है? पहले पहले एक बात बताओ, क्या जीएसटी कॉमन पोर्टल को मैनेज कौन कर रहा है? सारे बच्चे बताओ, जीएसटी कॉमन पोर्टल को मैनेज कौन कर रहा है? जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. ये कौन है? ये एक सेक्शन 8 कंपनी है. कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी है. यस और नो? ये एक सेक्शन 8 कंपनी है दोस्तों, और सेक्शन 8 कंपनी इसको मैनेज कर रही है वेबसाइट को. इज दैट क्लियर? बट क्या इसके अलावा भी कोई वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ने? यस, www.ewaybill.gst.gov.in. ये वेबसाइट बनाई गई थी ई वे बिल के लिए. किसके लिए बनाई गई थी? ई वे बिल के लिए. क्या मेरी बात क्लियर है? तो आज अगर ई वे बिल क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बनाने हैं, तो गवर्नमेंट के लिए एक अलग वेबसाइट, इसके लिए अलग वेबसाइट बनाई गई. क्यों? क्योंकि अगर एक ही सर्वर पे सब कुछ डाल दिया तो क्या सर्वर बड़ा हैवी नहीं हो जाएगा? हाँ, सर्वर क्रैश कर जाएगा, वेबसाइट क्रैश कर जाएगी, और गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि ऐसी कोई दिक्कत आए.
इसी रीजन से दोस्तों ईवे बिल के लिए एक सेपरेट वेबसाइट बनाई गई। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसको कौन मैनेज कर रहा है ईवे बिल की वेबसाइट को, बताओ? दिस इज मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है ये। क्या मेरी बात क्लियर है? और जीएसटी की वेबसाइट को कौन मैनेज कर रहा है, जल्दी बताओ? इसको मैनेज कर रहा है जीएसटीएन, सेक्शन 8 कंपनी है ये। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्या जीएसटी के जीएसटीएन क्या काम करता है, ये फंक्शंस क्या है इसके जीएसटीएन के? ये रहे जीएसटीएन के फंक्शंस। जीएसटीएन लिंकिंग कर रहा है भाई, लिंकिंग कर रहा है किसके लिए? टैक्स पेयर और वेबसाइट को काम कर, टैक्स पेयर और वेबसाइट के लिए बीच में लिंकिंग बना रहा है, ठीक है? वो वेबसाइट को काम, वेबसाइट के फंक्शंस डिजाइन करना किसका काम है? जीएसटीएन का काम। अब जीएसटीएन के क्या फंक्शंस है? बेसिकली रजिस्ट्रेशन फाइल करनी, भाई टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन फाइल करेगा तो वो प्रोसेस करेगा कौन? जीएसटीएन। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जीएसटीएन। क्रिएशन ऑफ चलान फॉर टैक्स पेमेंट, जीएसटीएन करेगा। सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी पेमेंट, आईजीएसटी को पता ना, बड़ी दिक्कत वाली पंगे वाली बात है आईजीएसटी। आईजीएसटी की कलेक्शन आ जाती है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बट आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट यहां फंस जाती है कि उनको पता है कि आधा सेंट्रल को और आधा स्टेट को देना है, आधा सेंट्रल को और आधा स्टेट को देना है। तो आईजीएसटी की सेटलमेंट करनी जरूरी है। क्या करनी जरूरी है? सेटलमेंट। इज दैट क्लियर? तो आईजीएसटी की हम सेटलमेंट करते हैं, और वो भी फंक्शन कौन डिजाइन करता है, वो कौन काम करता है? जीएसटीएन करता है। कौन करता है दोस्तों? जीएसटीएन। जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, क्या आपको जीएसटीएन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देता है जो आपके बिजनेस को भी काम देगी, बिजनेस में भी मदद देगी? यस जैसे सेल्स का डेटा दे देगी, परचेज का डेटा दे देगी, हालांकि कोई बहुत बड़ा अच्छा डेटा नहीं देती है, बट ठीक है, देती है, बेनिफिट्स तो देती है। तो बताओ जीएसटीएन क्या काम करता है? रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, रिटर्न फाइलिंग, क्रिएशन ऑफ चालान फॉर टैक्स पेमेंट, सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, इसके अलावा जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन पूछे जा सकते हैं? यस। नाउ जीएसपीज और एएसपीज क्या है? जीएसपीज यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ये लोग कौन है भाई? देखो ऐसे जीएसटीएन खुद कुछ नहीं करता है, जैसे हमारे देश के हाईवे, तो हाईवेज बनाने की जिम्मेदारी किसको दी है बताओ? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो तुम्हें लगता है हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वही करता है काम? नहीं, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करवाता है लोगों से। सिमिलरली जीएसटीएन भी नाम के लिए जीएसटीएन है, हमारे देश का काम कर रहा है, नहीं, बट जीएसटीएन मदद लेता है किससे? जीएसपी से। ये वो बिग आईटी कंपनीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है, जीएसटीएन ने सिलेक्ट किया है, और इनको बोला गया कि आप हमारी मदद करो वेबसाइट को बनाने में। तो सारा वेबसाइट का जो ठीकरा है वो किसको पकड़ा दिया? TCS और Infosys जैसी कंपनी को पकड़ा दिया कि भाई साहब आप देखो, हम नहीं देख पा रहे। तो GSP यानी GST सुविधा प्रोवाइडर, ये GSTN ने सिलेक्ट किए कुछ सर्टन IT टेक्नोलॉजी कंपनीज टू बी कॉल्ड एज GST सुविधा प्रोवाइडर्स, जो कि डेवलप कर रहे हैं ऐसी एप्लीकेशन जो टैक्सपेयर और GSTN को लिंक कर सके, टैक्सपेयर और GSTN को लिंक कर सके। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये GSPs भी बताऊं क्या है, ये ना बड़ी बड़ी डील्स उठाते हैं, छोटी डील्स उठाते नहीं, बट काम इनको छोटे भी करने पड़ते हैं, तो छोटे काम आउटसोर्स कर देते हैं छोटे लेवल पर, उनको बोलते हैं ASP। क्या बोलते हैं? ASP। तो अल्टीमेटली हुआ ये रही वेबसाइट, इस वेबसाइट के यहां पर बैठा है टैक्स पेयर, एक मिनट, वेबसाइट के यहां पर बैठा है कौन? टैक्स पेयर। अच्छा एक सेकेंड रुको, हाँ जी बताओ। तो मैं ये कह रहा था कि GSPs टैक्सपेयर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के पीछे यहां पर कौन बैठा है? GSTN। और GSTN किसकी मदद लेता है बताओ? GSPs की। और GSPs मदद लेते हैं ASPs की। इज दैट क्लियर एवरीवन? इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, खुद काम कोई कुछ नहीं कर रहा, सारे मिलकर ही काम कर रहे हैं एक दूसरे का। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। आगे आ जाओ, कॉम्पेंसेशन सिस, व्हाट इज कॉम्पेंसेशन सिस? अब क्या है कि जब हम जीएसटी लागू कर रहे थे अपने देश के अंदर,
तो बहुत सारी स्टेट्स को प्रॉब्लम्स होने लग गई कि भाई अगर आप जीएसटी लेके तो आओगे बट इससे हमारे स्टेट को नुकसान होगा। तो इस स्टेट को नुकसान से भटाने का, नुकसान से डराने से, तो उसका एक ही तरीका था कि उनको डर ना लगे, एक ही तरीका था। और वो एक तरीका क्या था सारे बच्चे बताओ, वो एक तरीका क्या था कि उनको एक लालच दे दिया कि भाई कल को अगर तुम्हें नुकसान होता है, ठीक है, जैसे मान लो वैट के टाइम पर पर्टिकुलर स्टेट की कलेक्शन 800 करोड़ थी, सॉरी 1000 करोड़ थी, ठीक है, और जैसे ही जीएसटी लागू कर दिया तो आपकी कलेक्शन गिर गई और कितनी हो गई, 800 करोड़, क्या 200 करोड़ रुपए से गिर गई। हाँ, अब ये 200 करोड़ का भुगतान कैसे होगा भाई साहब। तो वहां पर आया कॉम्पेंसेशन सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप कॉम्पेंसेशन सेस लगाओ, ठीक है, जिसमें लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट आइटम्स के ऊपर लगाया करेंगे। लग्जरी मतलब जैसे मोटर कार, डीमेरिट मतलब जैसे कि कोई टोबैको, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, ऐसी नेगेटिव आइटम्स के ऊपर हम ये टैक्स लगाया करेंगे। और इससे क्या करेंगे, हम लोग कॉम्पेंसेशन कलेक्ट करेंगे, ये वाला अमाउंट, सेस अमाउंट कलेक्ट करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में देंगे। तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में रेवेन्यू आएगा, ठीक है, और एटलीस्ट उतना हो जाएगा जितना इनको पहले आ रहा था। क्या मेरी बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ, जीएसटी, अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता। क्या फ्यूचर में लग सकता है? फ्यूचर में भी नहीं लग सकता, क्योंकि जीएसटी की डेफिनेशन में साफ तौर पे लिखा है कि हम जीएसटी नहीं लगा सकते। तो हाँ या ना, जीएसटी की डेफिनेशन में साफ तौर पे लगा लिखा हुआ है कि एल्कोहलिक लिकर पे हम जीएसटी नहीं लगा सकते। इट इज आउटसाइड द रेलम ऑफ जीएसटी। द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर कंटिन्यूज टू बी सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड इंटर इंट्रा स्टेट सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू सीएसटी एंड वैट रिस्पेक्टिवली। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एल्कोहलिक लिकर पे क्या लगता है जल्दी बताओ। एल्कोहलिक लिकर पे लगता है या तो स्टेट एक्साइज या फिर वैट, सीएसटी, वैट या सीएसटी। इज दैट क्लियर? अच्छा, पेट्रोलियम क्रूड के ऊपर क्या लगता है? पेट्रोलियम आइटम्स पे, पेट्रोलियम आइटम पर लगता है क्या? या तो पेट्रोलियम आइटम पे मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है सेंट्रल एक्साइज, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर, और इनके बेचने पे लगता है दोस्तों, इनके बेचने पे लगता है वैट सीएसटी। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं टोबैको की, तो टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, और टोबैको इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही है एक्साइज ड्यूटी के नाम से, और जीएसटी भी लग रहा है इस पर, मतलब दोनों लग रहे हैं, मतलब पुराने टैक्स भी लग रहे हैं और नए टैक्स भी लग रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है इसके ऊपर, प्लस जीएसटी भी लगता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो एक तो ये था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चा पूछता है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई साहब नोट करो, नोट करो, इस पूरे चैप्टर में क्या नोट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेफिशिएंसीज। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेफिशिएंसीज इस चैप्टर में जो आएगा ही आएगा। और क्या आ सकता है? टैक्सेस सबज्यूम्ड। और क्या आ सकता है? ये इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एक्सप्लेन। जीएसटी एक क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्सप्लेन। तो वो एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। या जीएसटी एक ड्यूअल जीएसटी मॉडल, ड्यूअल टैक्स मॉडल है, उसको एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड का मतलब क्या है? कि ये खत्म हो गए, एलिमिनेट हो गए। बताओ कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हो गए जब जीएसटी आया? भाई सेंट्रल लेवीज में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, याद है? एक्साइज ड्यूटी कितने प्रकार के हैं? एक तो सेंट्रल, एक एडिशनल, और एक एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, और एक सीवीडी। क्या ये भी एक्साइज होता है? हाँ, ये भी एक्साइज होता है। सर्विस सेंट्रल सेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लगाता था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लगाता था काउंटर वेलिंग ड्यूटी? जब भी हम कभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, और जो इंपोर्टर्स हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उस इंपोर्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लग रहा था,
इम्पोर्ट पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता था, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को परेशानी हो गई कि आप हमसे तो कई तरह के टैक्स लेते हो, इनसे नहीं लेते हो। तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक सीवीडी टैक्स लगाया था, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो काउंटरवेलेंस द एक्साइज ड्यूटी इफेक्ट, कि जो एक्साइज ड्यूटी वो झेल रहे हैं वो लोग इनको भी झेलना पड़े, तो काउंटरवेलेंस एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, स्पेशल सीवीडी याद हो जाएगा, ये है सेल्स टैक्स के लिए, ये स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी टू काउंटरबैलेंस द सेल्स टैक्स, टू काउंटरबैलेंस द सेल्स टैक्स। ठीक है, और क्या है सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटरस्टेट सेल वाला सीएसटी। अच्छा, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, और सर्विस टैक्स भी तो है, सर्विस टैक्स ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ है, ये सब एलिमिनेट हो गए। बताओ सेंट्रल लेवी सब्ज्यूम में कौन कौन आ गए, आठ। कितने आ गए, आठ टैक्सेस हो गए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सीएसटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस विच इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, विच इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, वो एलिमिनेट हुआ है दोस्तों। क्योंकि इनकम टैक्स के ऊपर तो आज भी सरचार्ज और सेस लगता है, तो हम इनकम टैक्स के ऊपर हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स और सर्विस वाला सरचार्ज और सेस हटाने की बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये वो सेंट्रल लेवीज है जो सब्ज्यूम्ड हो गए। स्टेट लेवीज की बात करते हैं। बताओ एंटरटेनमेंट पर क्या लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स और स्टेट सरचार्ज एंड सेस विच इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज। सारे बच्चे रिपीट करो इसको, स्टेट लेवी सब्ज्यूम में क्या क्या आता है बताओ, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स और स्टेट सरचार्ज एंड सेस विच इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज। और सेंट्रल लेवी सब्ज्यूम में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस विच इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या टैक्सेस सब्ज्यूम इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के फायदे, क्या जीएसटी से फायदे हुए हमारे देश को? बहुत फायदे हुए। पहला फायदा, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, पूरे देश में एक ही मार्केट बन गई। मतलब ये कि वन नेशन वन टैक्स, उन्होंने बोला एक देश है तो एक ही टैक्स लगना चाहिए, अलग अलग टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। तो क्या वो सारे टैक्सेस एलिमिनेट कर दिए? हाँ, एक ही टैक्स लगेगा। तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, वन नेशन वन टैक्स। नंबर दो, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। क्या दोस्तों जब वन नेशन वन टैक्स का चक्कर पड़ा, मतलब फायदा हुआ, तो क्या सारे देश से जितनी भी कंपनीज थी, तरह तरह की सारी अलग अलग कंपनीज थी, क्या वो सब हमारे देश में इंडिया में आने के लिए रेडी हो गई? हाँ। तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो निकाला गया था मोदी जी ने, उसको बूस्ट मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, क्योंकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आने के लिए रेडी हो गई। नंबर तीन, क्या इस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से बाहर की कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी? हाँ। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी? यस। तो क्या ये भी एक बेनिफिट है? सो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर चार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस जो करना, कंप्लीट करना, बिजनेस को सॉल्व करना, वो कर दिया आसान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंपलर टैक्स रेजिम विद फ्यूअर एग्जेम्पशंस, सिंपलर टैक्स रेजिम और फ्यूअर एग्जेम्पशंस भी, एग्जेम्पशंस क्या थी, कम। क्या मेरी बात समझ में? और बिजनेस कर दिया आसान, कि भाई एक बिजनेसमैन को सिरदर्दी ना हो इतने सारे टैक्सेस देखने की बजाय सिर्फ एक ही टैक्स पे फोकस करे, विच इज जीएसटी। क्या कंप्लायंस बर्डन भी कम हो गया? तो कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गई होगी, भाई इतने सारे टैक्सेस की जगह पर अब जब सिर्फ एक ही जीएसटी की लॉ को ही देखना है, तो कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गई कि नहीं होगी? हाँ, तो रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, क्या हो गया, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। क्या आईटी की यूसेज बहुत ज्यादा होने लग गई है? हाँ दोस्तों, पहले हम लोग अपने टाइम पे मैनुअली चलान भरते थे, मैनुअली पेमेंट करते थे, बहुत सारी चीजें मैनुअल होती थी, रिटर्न भी मैनुअल होती थी, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हुई, बट बहुत टाइम लग गया। आज हमारे देश में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, जीएसटी में सब कुछ, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन ही नहीं है जीएसटी के डिपार्टमेंट के साथ, कोई बातचीत ही नहीं है, तो कोई घूसखोरी का चक्कर ही नहीं है। ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद द ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, क्या पुरानी कैस्केडिंग की जो कमियां थी, कैस्केडिंग जो पुराने टाइम पे भी हो रही थी वैट आने के बावजूद भी, तो क्या वो भी इल इफेक्ट्स खत्म हो गए? यस, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग। और क्या मैं कह सकता हूं
छोटे ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को फायदा दिया गया। हाँ, छोटे ट्रेडर्स को एंटरप्रेन्योर्स को फायदा दिया गया इन द वे ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, और छोटे कुछ ऐसे गुड्स हैं जो अनब्रांडेड है, अनपैक्ड है, उनको भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो कई तरह के बेनिफिट्स दिए गए स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बताओ कितने बेनिफिट्स हो गए जो याद हो गए आप लोगों को, बताओ। एक, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर चार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नंबर पांच रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। नंबर छह ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स विद द ग्रेटर यूज ऑफ आईटी। नंबर सात मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग। और नंबर आठ बेनिफिट्स टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। यस और नो? भाई बच्चे यहीं पर है कि नहीं है, कि उनको लग रहा है कि भैया ये तो खतरनाक तरीके से स्पीड में पढ़ाई जा रहे हैं, समझ में आ भी रहा है, कुछ ज्यादा स्पीड में तो नहीं करा दिया? अरे बच्चे बताओ, क्या मैंने कुछ ज्यादा स्पीड में तो नहीं करवा दिया? रवि शर्मा तो कह रहा है यस समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है के लिए यस बोल रहा है वो। सही है, ओके। कुछ बच्चे कहते हैं नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड ठीक है, ओके थैंक यू। इससे बड़ा वो, इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई स्पीड ठीक है, ये स्पीड होनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। भाई साहब रिवीजन कर रहे हैं, तो पढ़ाना थोड़ा सा स्टार्ट करो, रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में आपको क्विक लर्निंग होनी चाहिए ना। यस और नो? अब बताओ संविधानिक क्या प्रोविजन आए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे देश के संविधान कहता क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं इसमें। 448 कानून है, कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, एक प्रीएम्बल है। बोलो, हाँ या ना? प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन संविधान का। फिर इसके बाद 25 पार्ट्स हैं, 448 कानून है, 12 स्केड्यूल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स। और एक बात बताऊं, आज हमारे देश में कोई भी कानून बनता है तो संविधान के बिना नहीं बन सकता है, तो संविधान ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है जो सब कुछ, आज कुछ भी कानून बनना है तो सब इन्हीं के थ्रू बनना है। अच्छा संविधान जो लेके आए थे वो कौन लेके आए थे बताओ, कब लेके आए थे? एक तो 26 जनवरी 1950 कौन लेके आए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और आपको याद है मैंने आपको बताया था जीएसटी आने से पहले ये बड़ी कंफ्यूजन थी कि जीएसटी लेके आए या ना आए, और कैसे लेके आए, क्योंकि जीएसटी के लिए तो लॉ के अंदर कहीं लिखा ही नहीं हुआ था संविधान में। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इंडियन गवर्नमेंट को एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ा। क्या करना पड़ा? एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो हम पहले तो बात करते हैं आर्टिकल 265 क्या कहता है, जल्दी बताओ। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ से परमिशन ना मिले, जब तक लॉ से परमिशन ना मिले, ना ही आप टैक्स लगा सकते हो, ना ही आप कलेक्ट कर सकते हो। क्या मेरी बात समझे? ना ही आप टैक्स लगा सकते हो और ना ही आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर लॉ अथॉरिटी देता है तो ही मैं टैक्स चार्ज कर पाऊंगा, वरना मैं टैक्स चार्ज नहीं कर पाऊंगा। सो आर्टिकल 265 ये कहता है, और इसी रीजन से हमें संविधान में चेंजेस करने पड़ गए, क्योंकि संविधान में तो इसकी कोई जगह ही नहीं थी। एक आर्टिकल 245 है, ये भी हमें पता होना चाहिए भाई, ये वो रीजन है संविधान में चेंज क्यों किया, ये तो पुराने कानून है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इन वजह से हमें चेंज करना पड़ गया। आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 कहता है आज अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो वो पूरे के पूरे देश के लिए लॉ बना सकता है और देश के किसी हिस्से के लिए भी बना सकता है। बोलो हाँ या ना? पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है, आर्टिकल 245 कहता है पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है वो पूरे देश के लिए भी बना सकता है और देश में किसी हिस्से के लिए भी बना सकता है।
और अगर मैं कहूँ स्टेट, अगर मैं कहूँ स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट पूरे देश, पूरे स्टेट के लिए लॉ बना सकता है या स्टेट में किसी हिस्से के लिए भी लॉ बना सकता है? क्या मेरी बात समझ में आई? ये हो गया हमारा आर्टिकल 245. इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो. आर्टिकल 246 क्या कहता है? आर्टिकल 246 तो वही पावर्स देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की, स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने की, और कुछ पावर्स देता है वो बोथ, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों को. उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. आपको याद है आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के अंदर कितने कितने लिस्ट होती है? 3, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट. और यूनियन लिस्ट में पावर टू लेवी किसके हाथ में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट में पावर टू लेवी किसके हाथ में होता है? स्टेट गवर्नमेंट. कॉन्करेंट लिस्ट में पावर टू लेवी किसके हाथ में होता है? बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट. अब बताओ, एंट्री नंबर 82 इज अबाउट इनकम टैक्स, 83 इज अबाउट कस्टम ड्यूटी, 84 इज अबाउट सेंट्रल एक्साइज, 92 है सीएसटी, और 97 क्या था? टैक्सेस व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, 2 एंड 3. इज दैट क्लियर एवरीवन? याद है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं. 82 क्या है? लिस्ट 1 में 82 इनकम टैक्स, 83 कस्टम ड्यूटी, 84 सेंट्रल एक्साइज, 92 ए सीएसटी, और 97 टैक्सेस व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, 2 एंड 3. बताओ लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में किसके बारे में बात होती है? लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में किसके बारे में बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है ऐसी टैक्सेस जिनकी पावर किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में. और इसमें आता है एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज और 54 वैट. 51 स्टेट एक्साइज और 54 वैट. क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, पावर टू लेवी इन द हैंड्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, दोनों के हाथ में है पावर. और वो है नो टैक्सेस हैज बीन कवर्ड, कोई टैक्सेस कवर नहीं किए गए, ओनली वेरियस लॉज कवर किए गए, सिविल लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, आईपीसी इज कवर्ड हियर. क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये वो रीजन था कि भाई कहीं पर भी आर्टिकल, कहीं पर भी जीएसटी की बात नहीं लिखी थी, जिसकी वजह से हमें आर्टिकल 246A लेके आना पड़ा. क्या था आर्टिकल 246A? ये देखो, आर्टिकल 246A कहता है पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी. तो आज हमारे देश के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, पार्लियामेंट का पावर है जीएसटी बनाने की, जीएसटी से लॉ बनाने की. तो वो बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 246A में लिखी हुई है. सिर्फ पेट्रोलियम आइटम्स को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स की बात की गई है. हालांकि जीएसटी की डेफिनेशन में तो अल्कोहलिक लिकर भी मना कर दिया, पेट्रोलियम आइटम्स के लिए टेम्परेरली मना किया, फ्यूचर में पेट्रोलियम आइटम पे लग सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. बताओ कौन कौन सी पेट्रोलियम आइटम्स? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल. इन 5 पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी फ्यूचर में लग सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. इज दैट क्लियर एवरीवन? आर्टिकल 246A इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसकी वजह से जीएसटी के लॉ बने, वरना जीएसटी के लॉ ही नहीं बनते. क्या मेरी बात क्लियर है? फिर मैं बात करना चाहूंगा सीधा सीधा आर्टिकल 246A के बाद मैं बात करना चाहूंगा आर्टिकल 269A की. ये किसके बारे में बात करता है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई. अगर आज इंटरस्टेट सप्लाई की बात करें तो इंटरस्टेट सप्लाई पर क्या लगता है? सारे बच्चे बताओ, आईजीएसटी. इंटरस्टेट सप्लाई पर क्या लगता है? आईजीएसटी. तो उसका लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, यह बात भी तो कहीं लिखी होनी चाहिए. तो यह बात लिखी थी आर्टिकल 269A में, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट. और यहीं पर लिखी हुई है कि जब भी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक स्टेट से दूसरे यूटी जब भी कभी सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लगेगा. और इनफैक्ट जब भी हम कोई गुड इंपोर्ट करेंगे या सर्विस इंपोर्ट करेंगे बोथ इन इंडिया will be deemed to be supply of goods or services in the course of interstate trade. क्या माना जाएगा इसको भी? Interstate trade. और इसके ऊपर क्या लगाएगा? IGST. Is that clear everyone? इसके बाद जो बात करी जाती है वो बात की जाती है, मैं बात करूंगा सीधा आर्टिकल 366 की. इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल 366 की. और ये क्या करता है? ये बात करता है डेफिनेशन ऑफ जीएसटी की, सर्विसेज की और स्टेट्स की. क्या ये भी कुछ नए आए थे? हाँ, अरे जीएसटी की डेफिनेशन आई आर्टिकल 366(12) में. नहीं, ये तो गुड्स की डेफिनेशन है, ये पहले से ही था, ये अमेंडेड नहीं है, ये अमेंडेड नहीं है, पहले से ही था. अच्छा,
आर्टिकल 366 12 ए क्या कहता है, ये नहीं आया था डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, और ये क्या बोलता है, कह रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या ये बात हम पढ़ चुके हैं? हाँ। 366 26 ए ये आर्टिकल क्या कहता है, ये सर्विस की डेफिनेशन बोलता है, कह रहा है सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा कुछ भी हो तो वो सर्विसेज होती है। इज दैट क्लियर? सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। और स्टेट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्टेट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 246 जितने भी आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े उन सब जगहों पे स्टेट का मतलब यहां पर वो ये कहना चाहता है, क्लेरिफाई करना चाहता है कि जो यूटीज है विद लेजिस्लेचर वाले, विद लेजिस्लेचर वाले तो वो भी क्या है, स्टेट्स है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आर्टिकल 279 ए ये भी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, व्हाट आर द पावर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 279 ए अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो जीएसटी काउंसिल को सेटअप कर सके, तो उन्होंने एक जॉइंट फॉर्म बनाया सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिला के जीएसटी काउंसिल के नाम से। और कह रहा है ये प्रोविजंस जीएसटी काउंसिल से कब आए थे, केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2016 को आए थे, 12 सितंबर 2016 को इससे रिलेटेड प्रोविजंस रखे गए थे। और बताओ प्रेसिडेंट ने कब बनाया ये जीएसटी काउंसिल, 15 सितंबर 2016 को। बताओ 12 सितंबर 2016 को लॉ बनाया गया उससे रिलेटेड, और 15 सितंबर को संविधान, और वो 15 सितंबर को इफेक्टिव भी कर दिया उस जीएसटी काउंसिल को। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमेशा याद रखना फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयरमैन रहेगा जीएसटी काउंसिल का। आज वो निर्मला सीतारमन है, बट अगले साल मतलब यानी इस साल अगर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं ठीक है, तो वो दैट करंट फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, जो भी स्टेट वाइज अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, हर स्टेट में आपको पता है फाइनेंस के और टैक्सेशन के मिनिस्टर होते हैं, तो वो इसके ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं ठीक है, उनको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए जीएसटी काउंसिल के मेंबर बना दिया जाता है। तो यानी सेंट्रल और स्टेट का ज्वाइंट फोरम है ये, क्या ये ज्वाइंट फोरम है। कह रहा ऐसे केस में फंक्शंस ऑफ द काउंसिल इज टू मेक द रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, जैसे कि टैक्स रेट्स। कई बार जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट्स लेके आती है नए नए, या पुराने टैक्स रेट में कुछ अमेंडमेंट लेके आती है, गुड्स के टैक्स रेट चेंज कर देती है, तो वो पावर कहाँ है, वो पावर जीएसटी काउंसिल के पास है, टैक्स रेट से रिलेटेड, एग्जेंप्शन से रिलेटेड, थ्रेशोल्ड लिमिट से रिलेटेड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करनी है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है दो पार्टीज का उनको रिजोल्व कैसे करना है, इसके बारे में काउंसिल क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स ला सकता है। तो टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस, थ्रेशोल्ड लिमिट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? कह रहा है ये पावर भी इनको दी गई है 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को लिए प्रोविजंस बनाने की। ये जीएसटी काउंसिल के हाथ में पावर है, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स याद है, 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी का नाम दिया, दर्जा दिया। कौन कौन से थे याद करो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। मैंने बताया था नॉर्थ याद करो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट याद करो, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। क्या ये 11 स्टेट सबको याद है? तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, उसके बाद असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे टोटल कितने स्टेट्स हैं, 11 स्टेट्स हैं ठीक है। इन 11 स्टेट से रिलेटेड प्रोविजंस किसके हाथ में है, जल्दी बताओ, ये 11 स्टेट से रिलेटेड प्रोविजंस किसके हाथ में, जीएसटी काउंसिल के हाथ में। यानी उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बनानी है, क्या इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है? हाँ, स्पेशल कैटेगरी को रिकमेंड किया गया था 10 लाख रुपए की लिमिट, हालांकि कुछ स्टेट्स माने कुछ स्टेट्स नहीं माने। कॉम्पोजिशन के लिए भी कुछ अलग लिमिट है, हाँ कॉम्पोजिशन के लिए भी गवर्नमेंट ने यहां पर 75 लाख की लिमिट रिकमेंड की थी, बट कुछ स्टेट्स माने और कुछ स्टेट्स नहीं माने। एग्जेम्पशन भी कुछ अलग है, हाँ कुछ एग्जेम्पशन भी अलग है। सो बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेट से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो वो किसके हाथ में दे दिया गया, जीएसटी काउंसिल के हाथ में दे दिया गया। इज दैट क्लियर? जीएसटी काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी विल बी लेविड ऑन पेट्रोलियम आइटम्स। याद है मैंने अभी भी बताया था पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी कब लगेगा, फ्यूचर में लगेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो वो
वो फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा जल्दी बताओ, जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। एक बात और ध्यान रखना, जो भी जीएसटी काउंसिल का डिसीजन हुआ करेगा, ठीक है, उसमें कम से कम थ्री फोर्थ वोटिंग होनी जरूरी है। थ्री फोर्थ वोटिंग का मतलब 75% जिस डिसीजन के हक में जाएगा उसी का डिसीजन लिया जाएगा। थ्री फोर्थ का मतलब हो गया 75%। तो एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 75%, यानी थ्री फोर्थ ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंटेड एंड वोटिंग। वोट ऑफ द सेंटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट है, उसकी वेटेज है 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स। तो 1/3 वेटेज तो किसको दे दी है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे दी है। और वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन टुगेदर हैज अ वेटेज ऑफ 2/3। यानी अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वेटेज, एक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं तो इसकी वेटेज कितनी है जल्दी बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अगर मैं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं तो इसकी वेटेज कितनी है? 1/3। और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरफ लिख लूं तो ये 2/3। इसका मतलब है ना ही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन जो लेगी वो ये भी नहीं कह सकती कि पूरे अब वो लागू कर दो। क्यों? क्योंकि 2/3 का मतलब हुआ 66%, और आपको कम से कम मेजॉरिटी कितनी चाहिए? 75% की। 1/3 का मतलब है 33%। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिलकर ही डिसीजंस में लेके आना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिन पर आपको ध्यान देना है। वैसे तो आपको आर्टिकल सारे पढ़ लेने चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करने के लिए काफी थे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया। बताओ क्या आगे करें या अगली क्लास में करें? चैप्टर 1 हो गया है। आप लोग ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर कर लेना। क्या बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं? हाँ। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज टैक्स साइमल्टेनियसली अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कैसे? एक एग्जांपल देके बताओ कि कैसे एक ट्रांजेक्शन पे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लग सकते हैं। वही इंट्रा स्टेट सप्लाई का एग्जाम्पल दे दो, इंट्रा का। व्हाई वॉज द नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो आपको पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने बता भी दिया। क्यों है जरूरत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उसको एक्सप्लेन करो। मैंने आपको बताया था ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। डिस्कस द लेवीएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अदरवाइज द फॉलोइंग। अल्कोहलिक लिकर पे तो जीएसटी है ही नहीं, नो जीएसटी। बोलो पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी कब लगेगा? फ्यूचर में लगेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो अभी फिलहाल क्या है? नो जीएसटी। फ्यूचर में लगेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। टोबैको पे क्या है? टोबैको पे अभी जीएसटी है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। बोलो हाँ या ना? सेंट्रल एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। ओपीएम, इंडियन हेम्प, इन पर क्या है? इन पर जीएसटी लगता है और इनके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है। क्या लगता है? स्टेट एक्साइज लगता है प्लस जीएसटी लगता है। अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। एग्जामिन द वैलिडिटी। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जीएसटी में सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है। हाँ, तो वो एग्जाम्पल देकर बता सकते हो कि जब परचेज किया उस पर क्रेडिट मिल गया और जो सेल किया उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया था उसमें से क्रेडिट को एडजस्ट कर दिया, जो बच गया वो गवर्नमेंट को दे दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? विच आर द कॉमोडिटीज विच हैज बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी? तो कुछ कॉमोडिटीज है जिनको केप्ट कर, किनको कीप आउट किया बाहर, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर। पेट्रोलियम आइटम इसमें आएगा क्या? नहीं, पेट्रोलियम आइटम इसमें नहीं आएगा, सिर्फ लिकर आएगा। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कॉमोडिटीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कॉमोडिटीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। पहले तो बोला विच आर द कॉमोडिटीज विच वर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, और अब बताओ कि इन कॉमोडिटीज पर टैक्स क्या लगता है? फिर अल्कोहलिक लिकर पे क्या लगता है? सारे बच्चे बताओ, अल्कोहलिक लिकर पे लगता है वैट, और क्या लगता है? स्टेट एक्साइज। उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है स्टेट एक्साइज और उनके बेचने पर लगता है वैट। क्या ड्यूअल जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा? हाँ। क्या डिस्कस आर्टिकल 269A? यस। क्या डिस्कस आर्टिकल 246A? यस। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, और कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैंने दे ही रखे हैं सीए सीएमए
और सीएसके तो भी आएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने रिवाइज किया है, इसी तरीके से फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हम अगली क्लास में भी करेंगे। बट मैं आपको एक और बात बताऊं, कल की न्यूज ये है कि मुझे ध्यान आया कि मैं बोल तो दिया, मैं डेली अनाउंस कर दिया, बट कल नहीं ले पाऊंगा मैं। इसका रीजन ये है कि कल वाले दिन मेरे को एक फंक्शन पे जाना है और वो भी रात को ही जाना है, तो इसलिए कल वाला चीज का पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल मैं आपको अनाउंस करूंगा, जब अनाउंस करूंगा उसी बेसिस पर आप लोग आओगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैं मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।